हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आटे का हलवा। तो चलिए रेसिपी आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो आटे का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए आटा और चीनी और पानी और थोड़ा सा घी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और उसको हम रख देंगे गर्म होने के लिए। जैसे हमारी कढ़ाई गर्म होने लग जाएगी, हम उसके अंदर घी डालेंगे। यहाँ पर मेरा जो घी था वो फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसी वजह से वो जम गया था। तो मैंने लिया था यहाँ पर 2 बड़े चम्मच घी के, और यहाँ पर मैंने लिया 1.5 कटोरी आटा, 1.5 कटोरी पानी पानी और उसके बाद में मैंने लिया चीनी। तो आधा जिस कटोरी से आप पानी ले रहे हो ना, उसी कटोरी से आप चीनी का भी माप लीजिए और उसी कटोरी से आप आटे का भी माप लीजिएगा। और उससे बाद में यहाँ पर जो है, आप अगर मीठा ज़्यादा खाते हो तो आप ज़्यादा चीनी ले सकते हो, और कम खाते हो तो कम चीनी ले सकते हो। हम यहाँ पर ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं तो हम कम चीनी ले रहे हैं। और यहाँ पर जो घी था वो अच्छे से मेल्ट हो गया था, तो यहाँ पर मैंने आटा उसके अंदर डाल दिया है। अब आटे को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। तब तक इसे भूनेंगे जब तक कि इसके अंदर अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और इसका जो कलर है थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। और इसको भूनते समय हमें ध्यान रखना है कि वैसी जो फ्लेम है वो हमारी धीरे होनी चाहिए, नहीं तो आटा कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जला हुआ दिखेगा। तो देखिए फ्लेम एकदम कम है और अब हमें इसे अच्छे से भूनते रहना है। करीबन इसको हमें 10 से 15 मिनट भूनना है, जिससे वजह से क्या होता है ना, हमारे हाथ भी दर्द होने लग जाते हैं। मेरे तो बहुत ही दर्द होते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने आटे को अच्छे से भून लिया है, और यहाँ जो मैंने पानी आपको बताया था ना चीनी वाला, उस पानी को इसके अंदर घोल बना के मैंने रख लिया था। और अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। एक ही साथ में नहीं डालना है, एक साथ में डालने से हलवा जो है वो गीला हो जाता है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और उसको अच्छे से चलाते रहेंगे। यहाँ पर हम उसे अच्छे से चलाएंगे, तब तक चलाएंगे जब तक कि हमें अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी मिल ना जाए। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो मैं वापस डाल रही थी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना और थोड़ा थोड़ा इसको चलाते रहना है। ये बन गया आटे का हलवा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, आप इसे घर में बना के भी खा सकते हैं। कोई मेहमान आए तो भी, इमरजेंसी में भी आप इसे बना सकते हैं। ज़्यादा आपको इन्ग्रीडियंट भी नहीं चाहिए, फटाफट बन जाता है। और ये तो बहुत ही फेमस और प्रख्यात हलवा है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से मैं भून रही हूँ। आटे में पानी डालने के बाद भी आटे तो हमें तब तक चलाते भूनते रहना है जब तक कि कढ़ाई के अंदर से घी ना छूट जावे और आटा अलग ना हो जावे, हलवा अलग ना हो जावे। और यहाँ पर देखिए इतनी गर्मी और पसीना हो रहा था, मैं बोल रही थी मैं तो ये हलवा तो बहुत ही पसीना वाला हलवा हो गया, बहुत महंगा पड़ा है। और उसके बाद में यहाँ पर मुझे थोड़ा और पानी की नीड लगी, मैंने और डाला। और उसके बाद में यहाँ मेरा हलवा अच्छे से बन गया था। अगर आप चाहो तो ऊपर से थोड़ा घी भी ऐड कर सकते हो, और नहीं चाहो तो रहने भी दे सकते हो। परंतु यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, क्योंकि शुरुआत में मैंने घी थोड़ा कम डाला था। बहुत लोग होते हैं जो ऊपर से थोड़ा घी डालते हैं, मैंने भी थोड़ा सा डाल दिया था। और बने आता था आप मेल्ट घी लीजिएगा, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ मेरे पास मेल्ट घी था नहीं और मेरे तो बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने स्पीड स्पीड में इसको ऐसे ही ले लिया। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर हम उसको अच्छे से भून रहे हैं। भूनने के बाद में मैं अच्छे से हलवा बन जाएगा, और उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ इसको अच्छे से सर्व करते। तो यहाँ गैस मैंने बंद कर दिया है। मिनिमम इसको बनने में आपको आधा घंटा का टाइम चला जाता है। और उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर प्लेट में सर्व करके बताती हूँ। तो देखिए फिर मैं आपको टेस्ट भी करके बताऊँगी कैसा बना है मैंने हलवा। वैसे मुझे ज़्यादा हलवा बनाना नहीं आता है, मैंने भी ट्राई किया था और अच्छा बना था। तो यहाँ पर मैं चखते आपको बताती हूँ, आप भी आ जाइए खाने के लिए। वाह, देखो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, और है ना, बना भी बहुत ही अच्छे से था, और अच्छे से भूंज भी दिया था, और ये सच्चा भी नहीं था। और ये देखिए इतना पसीना उतरा है, मैं बोले इतनी गर्मी में हलवा बनाया मैंने। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब